स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी रिवीजन हमें पेपर स्टार्ट के अनुसार रिवीजन करना है। हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है, अब हम रिवीजन करेंगे। तो आपको भी इस रिवीजन है वो हिंदी की नोटबुक में रिवीजन लिखना है, पेपर स्टाइल के अनुसार हमें रिवीजन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, तीन वाक्य में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दो तीन वाक्य में लिखे। आपको पेपर में कोई 8 आंसर लिखने हैं, उसका मार्क्स है 10। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, खाना बनाने में व्यक्त करने पर मामा जी ने भांजे को क्या सलाह दी। आंसर नंबर 1, मामा जी ने कहा कि जिसे बनाने की चिंता नहीं
चाहिए। चूल्हे के पास मामा जी के घर को अपना घर समझे। तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है, मामा जी ने कहा कि जिसे खाना आता है उसे खाना बनाने की चिंता नहीं होनी चाहिए, चूल्हे के पास बैठते ही उसे आपसे आप खाना बनाना आ जाता है, वह मामा जी के घर को अपना घर समझे। क्वेश्चन नंबर टू है, क्या हमें अपनी आलोचना आलोचना सुनकर नाराज हो जाना चाहिए अथवा निंदक मानना चाहिए। और क्यों
आंसर नहीं, हमें अपने आलोचना सुनकर नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि बल्कि निंदक का मानना चाहिए, क्योंकि क्योंकि उस क्योंकि उस निंदक निंदक ने अपने दोषों को सामने रखा, हम अपने आप को सुधार सके,
संतरी है, दोनों गुंडों के डिब्बे के भीतर जाते ही उन्होंने क्या किया? तो आंसर नंबर थ्री, दोनों गुंडे डिब्बे का ताला तोड़कर अंदर घुस गए राजू और उसके चचेरे भाई ने तेजी से भागकर उस डिब्बे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। क्वेश्चन फोर है, लोगों का व्यवहार हमारे प्रति नम्र कब होगा? आंसर नंबर फोर, जब हम दूसरों के दोषों को ध्यान देने लगेंगे।
लगेंगे तब लोगों का व्यवहार हमारे प्रति प्रति नम्र होगा। क्वेश्चन 5 है, राजू की योजना सुनकर चाचा जी की क्या प्रतिक्रिया हुई? आंसर नंबर 5, राजू की पूरी बात सुनकर चाचा जी पहले तो घबरा गए, घबराए परंतु इसके इसके अतिरिक्त अतिरिक्त कोई और रास्ता न पाकर वे उसके इसके इसके लिए तैयार हो गए। क्वेश्चन 6 है, राजू राजपुर में किसके पास गया था और क्यों?
क्योंकि वह सतलाना वह सालाना परीक्षा समाप्त समाप्त होने के बाद होने के बाद छुट्टियां छुट्टियां बिताना चाहता था बचपन से ही एकांत प्रिय था क्योंकि क्योंकि एकांत में बैठकर 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 खूब सोच विचार सोच विचार करना उसका स्वभाव था क्वेश्चन नंबर 8 है काकी ने लाडली से उन्हें कहां ले चलने के लिए कहा
आंसर ए काकी ने लाडली से वहां ले चले क्वेश्चन नंबर 9 है चाचा के केबिन में पहुंचकर उसने क्या देखा आंसर नंबर 9 क्वेश्चन थे यह मंदिर किसने बनवाया था आंसर नंबर 10 यह मंदिर महाराजा
बनवाया था। क्वेश्चन 11, यह मंदिर किस आकार का है? तो यह मंदिर सूर्य भगवान के वाक्य में लिखे में क्वेश्चन नंबर 1 में रूपा ईश्वर से डरती थी, वह दिल की नेक थी, ऐसा उसकी बात से स्पष्ट होता है। तो उसका आंसर है काकी को मेहमानों का जूठन खाते देख रूपा की आंखें खुल गई। वह सोचने लगी कि इतने वर्षों से काकी की संपत्ति का लाभ
संपत्ति का लाभ उठाने उठाने के बावजूद बावजूद उसने काकी को यहां से कंटिन्यू लिखना है काकी को भूखा रखा भूखा रखा उसने तुरंत दिया जलाया दिया जलाया अपने भंडार भंडार से थाली थाली में संपूर्ण 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 सामग्रिया सामग्रिया सजाकर सजाकर काकी को खाने उसने काकी से कहा कि वे भगवान से प्रार्थना प्रार्थना करे कि वे उसका अपराध क्षमा करे
क्वेश्चन टू, मामा जी ने भांजे का स्वागत सत्कार किस तरह किया? वाह बेटा, वाह बेटा, खूब आए यह बहाने मुझे मुझे याद याद तो किया लिखना है। यह तुम्हारी जा यहाँ
नीचे से ऊपर इसे तुम अपना ही घर समझो प्रश्न 3 कोणार्क मंदिर में मुख्य कितने प्रकार की मूर्तियां हैं कौन कौन सी
तो होमवर्क में आपको
होमवर्क में आपको जो मैंने ये सब क्वेश्चन आंसर लिखे हैं वो आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखित प्रश्नों, लिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। आपको हिंदी की नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। बाकी का जो